दिव्या किससे पूछेगी तू? ये गुड न्यूज रिवील करेगी माँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मेरी माँ ही है जो एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। Hey guys, once again welcome back to our YouTube channel Rahul Kurial। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि इस व्लॉग का आप सबको था काफी समय से इंतजार, आप लोगों को भी इंतजार था और हमें भी इनफैक्ट बहुत इंतजार था, क्योंकि वैसे तो हम आप लोगों से कुछ चीज छुपाते नहीं है, लेकिन इस बार आपको लेट से बता रहे हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हर चीज का एक सही समय होता है बताने का, तो अब हमें लगता है कि वो समय आ चुका है जब हम आप सबके सामने वो बात रिवील कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। हाँ। आप लोगों ने उसे गेस कर लिया है, पर ऑफिशियली हमारे चैनल पे वो हम आज रिवील करने वाले हैं। वैसे स्मार्ट तो बहुत है हमारी ऑडियंस है, और अगर आपने गेस कर लिया है कि वो क्या बात है, तो यहीं पे वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट करो, आगे नहीं देखनी वीडियो, यहीं पे पॉज करनी है और फिर कमेंट करना है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे साथ सब हैं और बस अब हम वो न्यूज रिवील करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो आइए मिलवाते हैं आपको पहले सभी लोगों से। तो ये देखिए गाइस, यहाँ मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, अनुज और भाभी। दिव्या किससे पूछेगी तू? तो ये गुड न्यूज रिवील करेगी माँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मेरी माँ ही है जो एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। नहीं नहीं, और हमारी ऑडियंस को माँ के मुंह से कोई भी कहीं भी बात अच्छी लगती है ना। हाँ, ये भी है। तो उसका इम्प्रेशन मतलब हम सब बोलते हैं अलग जाता है, माँ के मुंह से सब सुनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं माँ ही बताए, और माँ की बहुत सारी फ्रेंड्स भी ये वीडियो देखते हैं तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो जानते हैं मम्मी से, मम्मी क्या है वो गुड न्यूज पहले बताना चाहोगे आप? तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारे घर में एक नई खुशी आने वाली है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। अरे क्या बात कर रहे हो, नया मेहमान आने वाला है हमारे घर में, और इसकी मैं कहती हूँ हम सारे परिवार को बहुत खुशी है। हाँ। और सबसे बड़ी खुशी उस नन्ने मुन्ने के चाचा और चाची को है। वही मेरे से कई दिनों से कह रहे थे कि हम ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉग, मैंने कहा नहीं, सही टाइम आने दो, उसके बाद ब्लॉग बनाना। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप बार बार ये कमेंट्स करते थे भाभी दीदी। हाँ। या आपकी बहू प्रेग्नेंट है, तो लेकिन सच में वो, सच में वो सच बात हो गई, और अब बहुत जल्दी आपके सामने वो नन्ही मुन्ना बच्चा आने वाला है। तो बच्चा बच्चा है किसका, बड़े बेटे का आपका, छोटे बेटे का? ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि बड़े का है छोटे का, तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मेरे बड़े बेटे का और बड़े बहू का है। ये सारे परिवार की खुशी है, और इस खुशी में हम छह के छह लोग शामिल है, एक साथ में नन्ने की खुशी आई। और अब छह ही नहीं, हमारी 36,000 की YouTube फैमिली। हाँ। तो 36,000 छह लोग हैं हम। हाँ। तो हमने इस खुशी में अपने साथ साथ आप लोगों को भी शामिल कर लिया है ये बता के, तो आप लोग भी हमारे लिए विशेष करना कि अच्छे से हो जाए। तो ये तो थी मम्मी और चाची, अब मैं लेके चलता हूँ कैमरा दादाजी की ओर। हाँ जी दादाजी, दादाजी को तो बड़ी खुशी है। हाँ। और बड़ी इंतजार थी हमें। हाँ। तो बड़ी खुशी है हमें कि कोई ना कोई हमारे घर में आना चाहिए। हाँ। आज हमारा जो हमारा भी खिलौना बन जाए। अच्छा, खिलौने के चक्कर में चाहिए इन्हें है? बोर हो रहे हैं ना ये। अच्छा, ये लोग बोर हो रहे हैं। अच्छा, तो ये सब YouTube फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, तो सबका आशीर्वाद रहे कि अच्छे ढंग से हमारे घर में खुशी आए, और उस खुशी में भी आप भागीदार रहे। तो कंधे कर लिए मजबूत अपने? हमारे तो कंधे मजबूत हैं। आपने कर लिए? करो अपने, इनके तो मजबूत है, पापा और चाचा करे जिनके दर्द रहते हैं। चाचा के तो घुटने दबाएगा होते ही वो, चाचा के पैर में वैसे दर्द। तो लेके चलते हैं आपको पापा और मम्मी। भाई ये रे मम्मी पापा। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? मेरा डिपार्टमेंट तो पापा मम्मी संभाल रहे हैं, तेरा कौन संभाल रहा? नाना नानी के पास भेजेंगे। मेरा अनुज। तो आइए जानते हैं अब मम्मी पापा के मुंह से। हाँ जी, कैसा लग रहा है मम्मी पापा बन रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड है आने वाले दिनों के लिए। हाँ। तो मतलब थोड़ा सा होता भी कि कैसे होगा कैसे होगा, बट फैमिली है तो जाना वो मुझ पे चाहिए। मतलब तू क्या चाहता है, क्यों ना जाए? छोड़ो छोड़ो दिमाग में, चाहता नहीं घुटने में।
फिर तो हम भी जाएंगे तेरे पे जाए कोनी में तो आएगा कम से कम। तो भाभी कैसा लग रहा है? ये खुशी मिलती है वो महसूस ही की जा सकती है, आप शेयर नहीं कर सकते। तो बस वही चीज मेरे साथ है, बहुत टाइम से इस चीज की वेट कर रहे थे हम लोग, आप हमें जाके वो खुशी मिली है पेरेंट्स बनने की। तो होप हमारा आगे का सफर भी अच्छा रहे, अभी तक भी बहुत अच्छा रहा है आगे का सफर भी। सब प्रेयर करना हम लोगों के लिए कि आगे का सफर हमारा बहुत स्मूथली जाए। और ये जाए। कैसे ये जो महीने बीते आपके कैसे बीते? सासू माँ और ये देवरानी ने कुछ काम वाम तो नहीं करवाया ना ज्यादा? बहुत मतलब बहुत स्मूथ फेस किया है, जैसे मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुनती हूँ बहुत, मतलब महारानी की तरह इसने राज किया है। लिटरली मैंने कोई काम नहीं किया अपने इतने फेस में, जो भी मेरा फेस है अभी तक का मैंने बस आराम से ऑर्डर किया है, मेरे मुंह पे आ जाती है वो चीज। तो गाइज आपने कहीं सारे व्लॉग्स में देखा भी था कि जब दिव्या मतलब आपके हाँ आप कहते भी थे कि दिव्या ही सारा काम करती है, भाभी क्यों नहीं कर रही। तो आज आई होप कि आपको रीजन पता चल गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं चाहती। बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ तो छोड़ो, ऊपर भी अपने घर में भी काम नहीं करती, झाड़ू पोछा मैं लगा रहा हूँ आज। तो और क्या हमारी सबकी पूरे परिवार का कुटुंब भी तो भाभी ने भाभी लेके चल रही है, तो काम तो तेरे को संभालना पड़ेगा ना थोड़ा है? अभी तो झाड़ू पोछे अभी देखा, अभी तो तेरे मुंह पे हगेगा ना या हगेगी ना तब पता चलेगा, अभी तो झाड़ू पोछे ही बेटा फिर पता चलेगा। और चाची बहुत एक्साइटेड है, बहुत टफ फेज होता है हर औरत के लिए, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो जो एक्चुअल में महसूस जो जिसको हो रहा है उसी को पता है। पर हम बस ये कर सकते हैं कि हम सपोर्ट ही कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं फिजिकली, क्योंकि ऑब्वियसली इस फेज में सबको पता होगा कि फिजिकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉडी में। आजकल के टाइम में वैसे भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जितना फिजिकल स्ट्रेस कम दोगे और फिर मेंटल प्रेशर भी होता है, फिर इमोशंस भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो एज अ फैमिली हम लोग तो बस यही कर पाए कि जितना वैसे सपोर्ट कर सकते थे वो करें, बाकी हम लोग बहुत एक्साइटेड है जो भी आएगा लड़का लड़की। मैं अभी सबसे छोटी थी, अब मुझसे भी छोटा छोटी आएगी। इसको तो ये मेरे से छोटी आए, छोटी आए, छोटा छोटी जो भी आएगा मेरी टीम में ही होगा, मुझे पता है, कोई टेंशन नहीं है। और भाई मैंने तो इतना काम करवाया ना, मेरे से जितना काम करवाया ना मेरे घर वालों ने छोटा छोटा बोल आते ही उसको बोलूंगा जैसे ही मम्मी का ऑर्डर आएगा ना राहुल ये दुकान से लेके बोलूंगा छोटू छोटी जो भी है जा ले गया चाचा का काम कर वरना पिटेगी, आगा मारूंगा ना उसका चाचा अगर चाचा का काम नहीं करेगी। तो गाइज पूरे परिवार के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे दिव्या ने बताया कि वो छोटी थी और दिव्या से पहले मैं छोटा था इस परिवार का, तो मैं तो कब से चाह रहा था कि यार इनका बच्चा बच्चा हो, लोगों के बच्चे खिला खिला के मैं मतलब चाचा तो बन गया हूँ अपने गली मोहल्ले का, पर अपने वालों का भी बनना चाहता था। ये बात सच है, ये बात इसने मुझे कही भी थी जब मैं शादी करके आई थी, भाभी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, बहुत लोगों का मतलब यहाँ पे आस पड़ोस में चाचा बन गया, अब आप एक बेबी करो कि मैं उसके साथ मतलब फुटबॉल बना के उसको खेलूं। मैंने कहा वामन का तेरे टाइम पास के लिए, मैंने कहा मैं बेबी कर दूं अभी से। और मेरे को तो भाई YouTube कंटेंट भी दिख रहा है उसमें। एक कमेंट आया भी था शायद मोनिका नेगी का कि यार बच्चा होगा तो कंटेंट भी मिलेगा तुम्हें, तो मैं कह रहा यार बात तो सही है, ये बच्चा तो होना चाहिए ताकि कंटेंट मिले, वो जब तोतला के बोलेगा तो ऑडियंस बच्चा लगेगा अरे मेरे ताता ताती के YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, वो तब जरूर करोगे, अभी तो आप करते नहीं मेरे कहने पे। तो और वीडियो को लाइक जरूर करना अभी तक अगर पसंद आई है। तो अब जल्दी से हम लोग लेते हैं एक वाइल्ड गेस कि सबको क्या लग रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी जिसके अंदर से फीलिंग आ रही है जो भी आए, ये बहुत अनबायस चीज है, ऐसा कुछ नहीं हम किसी जेंडर को फेवर कर रहे हैं, पर जिसके मन से जो निकल रहा है। तो सबसे पहले पूछते हैं हम माँ से, क्या लग रहा है माँ आपको लड़का होगा या लड़की होगी? ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं राधा रानी की उपासक हूँ और लड़की आई तो मैं बहुत खुश हूँ। पापा फिर भी ऐसे मन से आता है ना, क्या होगा ऐसी तुक्का, आपको क्या लग रहा है? जो भी हो फिर भी ये तो सब भगवान, वो तो हमें पता है, पर एक होता है ना, एक हमारा अंदर मन से कुछ इच्छा क्या एकदम मन से कुछ आता है कि अरे लड़का या लड़की ये हो सकता है, तो कुछ भी आ जाए हमें नहीं, एक क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कुछ भी बोलो, दोनों इसमें कुछ नहीं है। हम तो बेटी वाले भी हैं कि बेटी भी आ जाए तो बहुत अच्छी उत्तम बात है, और बेटा भी आ जाए तो पापा न्यूट्रल हैं, पापा का भी मतलब मन में कुछ आया नहीं है। आपके भैया क्या लग रहा है आपको?
मुझे लग रहा है बेटा होगा क्योंकि मेरे को उसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर बनवाना है। आपके तो अलग ही, जो खुद नहीं कर पाए वो, आपको क्या लग रहा है दीदी? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद बेटी हो सकती है। अच्छा भाई, मुझे तो लग रहा है बेटा होगा क्योंकि एक्टर का जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया ना मुंबई जाके, उसको तो अभी वो पैदा हुआ नहीं, उसको क्रिकेटर जॉनसन बेबी के पाउडर में उसकी ऐड आएगी सबसे पहले, शाहरुख खान की तरह उसको आप क्रिकेटर तो बनेगा नहीं बनेगा, और अनुज का बेटा है ना तो हाइट छोटी रह जाएगी तो क्रिकेटर तो बना नहीं, पर एक्टर जरूर बनाएंगे उसको, चाहे राजपाल यादव ही क्यों ना बनाएगा हाइट छोटी, पर बनाएंगे उसको एक्टर ही हम, मुझे लगता है कि लड़का होगा, ऐसी मेरी इंस्टिंक्ट आ रही है। अच्छा, लड़की भी होगी तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर उसके तो मजे ही आ जाएंगे ना, मैं और वो मिलके मेकअप करेंगे, मेरे को एक वो मिल जाएगी मॉडल, पर मेरी इंस्टिंक्ट जो आ रही है वो मुझे ऐसे लग रहा है बीबी बॉय होगा, बाकी हम तो दोनों में ही बहुत खुश है। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की होगा, हम खुद लड़कियां हैं यार, लड़की भी होगी तो हमारे जैसी होगी और लड़के होंगे तो इनके जैसे होंगे, हमारे जैसे होंगे है ना अनुज, हमारे जैसे भाई, इनकी जैसी लड़कियां देख लो। अच्छा, अब एक और गेस लेते हैं हम कि किस पे शक्ल जाएगी, क्या लगता है सबको किस पे जाएगा बेबी जो भी होगा गर्ल बॉय किस पे जाएगा? तो पहले मम्मी बताओ आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लगता कि वो मिली जुली होगी सब पे, किसी पे आंख तो किसी पे माथा तो किसी पे मुंह तो किसी पे नाक। अच्छा, माँ ने मिक्स ब्रीड बच्चा बना लिया। तो पापा से जानते हैं, लड़का होगा तो दादा ही पे जाएगा और लड़की होगी तो दादी पे जाएगी। अच्छा, बुआ पे भी जा सकती है, बुआ यहाँ नहीं है तो बुआ बुआ की साइड से मैं बोल रही हूँ, बुआ पे भी जा सकती है। ओ, चाचा पे ही जाएगा। वैसे मैं बताऊँ मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है की अनुज भैया पे जाएगा। हाँ, लड़का हुआ तो। हाँ, और लड़की हुई तो? लड़की हुई तो बुआ पे जाएगी, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। लड़की हुई तो बुआ पे जाएगी। मेरे को लगता है जो बाल है ना, बाल वो रुचि दीदी पे जाएंगे। अच्छा, बच्चे के बाल रुचि दीदी पे जाएंगे और जो फेस होगा वो अनुज भैया पे जाएगा, जो भी होगा लड़का लड़की, मतलब बाल दीदी के होंगे और फेस भैया का होगा। तूने अल्ट्रासाउंड से पूरी पिक्चर बना ली है, अंदर से आता है सबके। और तुम्हें क्या लगता है? चलो अनुज से पूछते पहले, अगर लड़का हुआ तो भी मुझ पे जाना चाहिए और लड़की तो भी मुझ पे जाना चाहिए। अच्छा, पर आपकी नाक जैसी नहीं होनी चाहिए। वरना नाक बस सिर्फ नाक इस पे जाए। वरना लोगों को बच्चों का जितना मुंह होता है ना उतना तेरे नाक हो जाए, तेरी नाक है नाक वाला बच्चा। भाभी आप बताओ। मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, बट मुझे पता है कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में अपनी अभी तक सबके, मतलब थोड़े थोड़े गुण उस बच्चे में सबके आएंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। और शक्ल? शक्ल नहीं बोल सकती, शक्ल बताओ ना, शक्ल का। शक्ल नहीं, बस फिर भी एक गैस होता है, आपको लगता तो है कि अरे मेरे पे जाएगा या इन पे जाएगा। भाभी की शक्ल गंदी है ना इसलिए बोल रही हूँ। मुझे पता है जब मतलब मेरी फैमिली में मेरी चाची की बेटी हुई थी छोटी, तो वो हम ज्वाइंट फैमिली रहते थे, तो जब वो पैदा हुई तो वो अपने मम्मी पापा उनको सिर्फ मतलब सब पे उसकी कुछ ना कुछ गई है, मेरे पे, पापा पे, ताई पे, ताऊ पे, सब पे। तो काम वाली आंटी भी आती है। तो कम रहती ना यहाँ पे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब एक एक चीज सब पे आएगी, मतलब ऐसे पर्टिकुलर एक शक्ल पे नहीं जाने वाला। अच्छा, मतलब आपका है कि वही पापा की तरह मिक्स। मेरे को तो बहुत श्योरिटी है कि भैया की शक्ल का होगा बच्चा। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे लगता है कि अगर लड़की हो ना तो मैं चाहता हूँ भाभी जैसी हो, क्योंकि अगर उसमें अनुज के फीचर्स होंगे ना लड़की में तो सोच के देखो, अनुज की मैं मूंछ हटाऊंगा कहीं ना कैसा लगेगा, वो अभी भी दाढ़ी दूढ़ी कटवा दे रहा है ना भाई, हम कहते हैं तू भाई शादियों में जा गई ऐसे मतलब। और लड़का हो तो फिर अनुज पे जाए, वरना भाभी जैसे आवाज हो गई ना उसकी, ऐसे होगा जैसे भाई दीदी पे बाल तो मुझे ऐसे लगता है दीदी पे जाएंगे, ऐसे मुझे फीलिंग आती है, और लिप्स भी दीदी पे जाएंगे। तुम काम का सोच रहे हो मम्मी पापा के, दीदी चाचा के भी तो आ सकते हैं भाई है ना, चाचा के चांसेस कम होते हैं। मुझे तो लग रही है चाचा पे मैंने बहुत कम बच्चे देखे, मामा पे तो मैंने फिर भी सुना है मामा पे जाते हैं बच्चे, बुआ पे जाते हैं बच्चे, दादा दादी से तो खैर जब मतलब वो होगा ही क्योंकि बेटा भी उन्हीं के है, इसके नाना नानी के बारे में तो सोचो क्या पता वो नहीं पे चले जाए। तो फिर दीदी पे जाएंगे तो दीदी की भी अपनी मम्मी जैसे फीचर्स है।
हाँ दीदी भाभी भी माँ पे गई है ना। हाँ, पर हाइट जानी चाहिए बच्चे की नाना जी पे। हाँ भाई तुम पर हम में से किसी में ना जाए हाइट तो नाना जी पे, चाहे लड़का हो लड़की हो या फिर दादी पे। दादी की तो ठीक ही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। लड़की होगी तो लड़की के लिए तो बहुत बढ़िया है। 5-3-4 इन दोनों पे नहीं जानी चाहिए। तुम पे चली गई ना अगर तो भैया वर्ल्ड फास्ट बॉलर छोड़ो, वो विकेट बना करेगा गलियों में, बैट बनेगा वो। 5 फुट की हाइट लेके बैठे हुए दोनों। और सबसे ज्यादा वैसे घर पे मतलब पापा को होते कि मैं बोर हो रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद, मैं बोर हो गया कहती पापा अब आपका ना फेस खत्म हो गया रिटायरमेंट का, आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है। आजकल हम पापा को यही बोलते हैं कि पापा मम्मी पापा से ले भी लेना जॉब के पैसे कहीं ये सोच रहे दोनों ऐसे है ना, दादा को केयर टेकर बनेंगे तो पैसे भी लेंगे जितना लेता है, पता करते हैं अभी कितना लेता है केयर टेकर महीने का। दिव्या हम भी पकड़ लेंगे केयर टेकर को, वो वाले करेंगे ना, वो आवरली नहीं होता पर घंटे वाली, पर घंटे चार्ज लेंगे। जैसे एक दिन मैं पापा मुझे ऑफिस छोड़ने जा रहे थे मॉर्निंग पे मेट्रो स्टेशन, तो पापा ने मुझे एक चीज बोली, इतनी उम्र में लोग अपने पोतों नातियों को स्कूल लेके जाते हैं और मैं बहू को छोड़ने जा रहा हूँ। तो पापा आपने हाइट नहीं देखी अभी बहू की, बच्चे जितनी छोटी बच्ची हो गया। पापा वो टाइम भी आएगा और वो टाइम आ गया। चलो फाइनली वो टाइम आ गया और हम सब बहुत खुश है गाइस, और आशा करते हैं आप लोग भी बहुत खुश होंगे। और मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, मम्मी तो कब से चाह रही थी, कब से मतलब कब से मम्मी तो चाहती है, मम्मी तो चाहती है शादी भी नहीं हुई थी ना, बच्चे आ जाए बस बहू आए। अभी तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं अच्छे से हो जाए। हाँ माँ बच्चा दोनों स्वस्थ घर वापस आ जाए बस। अभी तो भगवान सब मतलब भाभी के ऊपर, भाभी स्वस्थ आना एकदम वापस ठीक है, खेलते खेलते आना, खुशी खुशी जाना, खेलते खेलते आना, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा पीछे बैठ जाना आराम आराम, बाकी ये लोग है ना पीछे संभालने के लिए मुझे। और कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस से? नहीं बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, ऐसी हमारे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कमेंट ऐसी करते रहें, और खूब सारी ब्लेसिंग से आने वाले डेज में हमें बहुत जरूरत है उसकी। हाँ अनुज तो कुछ कहना चाहेगा ऑडियंस से? बस सेम टू सेम एनर्जी बचा रहा है, पबजी खेल लिया ना इसने। चलो मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? जैसा आप लोग हमें पहले से प्यार करते आए ऐसे मेरे बच्चों को प्यार देते रहना, और अब मेरे बच्चे इतने ही नहीं 36,000 भाई बहन माँ जो भी मेरे हम उम्र के हैं या हम मेरे से बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, जो मैं हम उम्र के हैं उनका प्यार चाहिए, और जो मेरे छोटे हैं उनको तो बहुत प्यार देना मेरे बच्चों को, और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और हमारी खुशी में आप भी शरीक हो जाना, आप भी शरीक हो जाना। और इसी वजह से बच्चे कब से कह रहे थे मम्मी हम ब्लॉग बनाते, मैंने कहा बेटा जरा कुछ महीने बीतने दो इस, अब जब टाइम बिल्कुल उस पे आ गया तब हम इस ब्लॉग को बना रहे हैं, और ये बच्चों की खुशी के लिए बना रहे हैं हम, और आप लोगों की खुशी, क्योंकि आप बार बार कमेंट करते थे कि बताओ रिवील करो बताओ, तो ये बच्चों ने कहा नहीं मम्मी जब हमने कुछ नहीं छुपाया तो हम ये बात भी नहीं छुपाएंगे। ऐसे ही अभी आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जो भी कुछ होगा, जो शेयर करने लायक होगा, जो दिखाने लायक होगा हम वो दिखाएंगे। हर चीज भी नहीं पॉसिबल हो पाती क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बट जितना हमें लगेगा कि आप लोगों को हम दिखा सकते हैं वो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और माँ ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमने अभी तक रिवील इसलिए नहीं करा था क्योंकि माँ नहीं चाह रही थी, तो जैसा मतलब माँ लोग बोल रहे हैं हम वैसा ही कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को उस बात का बुरा लगा या आपको लगा हमने छुपाया तो ऐसा कुछ नहीं था, उसके लिए हम सबकी तरफ से छोटी सी सॉरी, होप आप समझ गए होंगे क्या रीजन था उसके पीछे। बाकी आगे जो ब्लॉग आने वाले हैं वो आप इंजॉय करिए, और जैसे आप अभी तक देखते आ रहे हैं अब उससे भी ज्यादा नंबर में देखिए, और अभी हमारे व्यूज थोड़े से कम, थोड़े नहीं काफी कम हो चुके हैं, तो हमारी मेहनत तो उतनी पूरी है, तो हम चाहेंगे कि आप जितनी अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करो या अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, एक दिन की बात है यार 24 घंटे में हट जाती है स्टोरी, आप लगा दो आप ये आपका एक स्टेटस शायद 100-150 लोग भी अगर देखते होंगे और उसमें से कुछ लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट होगा, और हम आगे अपनी यूट्यूब जर्नी में शेयर करने वाले हैं तो बहुत मजेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं बैक टू बैक आपके लिए। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो, बेल ऑन नहीं होगी तो हमारा ब्लॉग का टाइमिंग आपको नहीं पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में,
तब तक के लिए बाय बाय।